जनपद रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बरसुड़ी गांव में जनता के साथ चौपाल मिलन कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा है कि संवाद होने से धरातल पर योजनाओं की स्थिति का पता लगता है, साथ ही अधिकारियों के प्रति जनता का फीडबैक भी जनता को मिलता है। और उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में जल्द ही बहुउद्देश्य शिविर का और आधार कार्ड शिविर लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज और प्राथमिक विद्यालय समेत मनरेगा के कार्यों का भी निरीक्षण किया। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। यहाँ पर बरसुड़ी ग्राम पंचायत और उसके आसपास के जो ग्राम प्रधान आए हैं उनके साथ ग्राम चौपाल लगाएगी और विभिन्न समस्याएं जो यहाँ पर सड़क से संबंधित है या स्कूल में टीचर्स की अभाव से संबंधित है, बिजली के तारों से संबंधित और अन्य कई करीबन 30 यहाँ पर शिकायत पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रिमोट एरिया है हमारे अगस्मिनी ब्लॉक का, तो आने वाले टाइम में यहाँ पर एक प्रॉपर शिविर लगाने की भी मांग आई है जिसको हम लोग यहाँ पर लगवाएंगे।